हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSE। जो आज का सब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट है पायरोफोरिक कैन लीड ए फायर, और पायरोफोरिक से फायर हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम तीन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक है वो है हमारा पायरोफोरिक मटेरियल क्या है, फिर दूसरा जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा पायरोफोरिक आग को कैसे रोका या कम किया जा सकता है, और जो तीसरा टॉपिक होगा वो होगा लर्निंग फ्रॉम द इंसिडेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद पायरोफोरिक मटेरियल से। सो पायरोफोरिक मटेरियल्स आर केमिकल दैट कैन स्पॉन्टेनियसली इग्नाइट व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। ए कॉमन पायरोफोरिक मटेरियल इज पायरोफोरिक आयरन सल्फाइड। पायरोफोरिक मटेरियल ऐसे रसायन होते हैं जो हवा के संपर्क में आने पर जल्दी से जल जाते हैं या प्रज्वलित हो जाते हैं। एक सामान्य पायरोफोरिक मटेरियल पायरोफोरिक आयरन सल्फाइड है। सो वेयर कैन बी फाउंड आयरन सल्फाइड, कहाँ पाया जा सकता है आयरन सल्फाइड को? सो कैन बी फाउंड इन ऑयल, गैस प्लांट्स और रिफाइनरी पाइपिंग टैंक्स और वेसल्स इन द प्रेजेंस ऑफ H2S। आयरन सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में तेल, गैस प्लांट में, रिफाइनरीज में, टैंक्स में, वेसल में पाया जा सकता है। व्हेन पायरोफोरिक आयरन सल्फाइड क्रिएटेड, सो पायरोफोरिक आयरन सल्फाइड इज क्रिएटेड व्हेन आयरन ऑक्साइड रस्ट इज कन्वर्टेड इनटू आयरन सल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। दिस केमिकल रिएक्शन ओनली टेक्स प्लेस इन लो ऑक्सीजन कंडीशंस when the pyrophoric iron sulfide particles are exposed to air, they are oxidized back to iron oxide generating a considerable amount of heat, so much heat is produced that the particle can burn, igniting nearby flammable hydrocarbon gases and liquids. Jo pyrophoric iron sulfide tab banta hai jab iron oxide matlab jo jang hai उस पे जो रस्ट है जंग हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में आयरन सल्फाइड में परिवर्तित हो जाता है। यह रासायनिक प्रक्रिया केवल कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। जब पायरोफोरिक आयरन सल्फाइड कण हवा के संपर्क में आते हैं, जो उसकी मात्रा जो आयरन पायरोफोरिक है वो लोहे के ऑक्साइड में वापिस ऑक्सीकरण हो जाते हैं, जिसमें काफ़ी मात्रा में ऊष्मा होती है, मतलब बहुत गर्मी होती है। इतनी गर्मी होती है कि कण जल जाते हैं और आपस में ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन गैसेस पदार्थों को प्रज्वलित कर देते हैं। सो पायरोफोरिक फायर कैन हैपन विद इन मिनट्स और इट कैन टेक लॉन्ग टाइम टू हैपन व्हेन केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस। पायरोफोरिक आग कुछ ही समय के भीतर हो सकती है या ऐसा होने में लंबा समय लग सकता है जब रासायनिक प्रक्रिया होगी। सो व्हेन पायरोफोरिक फायर कैन हैपन, जब पायरोफोरिक आग होती है। सो फायर्स कॉज बाय पायरोफोरिक मटेरियल कैन ऑकर मोस्टली ड्यूरिंग शटडाउन्स व्हेन टैंक्स और वेसल आर एम्प्टी। ज्यादातर मौकों पे जब ये पायरोफोरिक शटडाउन के दौरान हो जाते हैं, टैंक्स या वेसल को खाली कर दिया जाता है और इक्विपमेंट एंड पाइपिंग आर ओपन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस। पायरोफोरिक मटेरियल सच एज आयरन सल्फाइड पार्टिकल्स ऑन द इनसाइड ऑफ टैंक्स वेसल्स पाइप वॉल्स कैन इग्नाइट व्हेन एक्सपोज्ड टू ऑक्सीजन। निरीक्षण के लिए, रखरखाव के लिए पाइपिंग को खोल दिया जाता है। ऑक्सीजन के लिए टैंक में, पाइपों की दीवार पर, लोहे में ऑक्साइड कणों जैसे पायरोफोरिक सामग्रियों को उजागर किया जा सकता है, जिससे पायरोफोरिक फायर हो जाते हैं। सो हाउ पायरोफोरिक फायर कैन बी प्रिवेंट और मिटिगेट। पायरोफोरिक आग को कैसे रोका या कम किया जा सकता है, तो इसके लिए कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं, कुछ वो डिस्कस करेंगे। इम्प्लीमेंट एंड फ्लो ए फायर एंड एक्सप्लोजन मैनेजमेंट प्लान एंड सेफ वर्क प्रोसीजर व्हेन एम्प्टिंग टैंक्स एंड वेसल्स। टैंक्स और वेसल्स को खाली करते समय एक आग और विस्फोटक प्रयोजन योजनाओं को सुरक्षित कार्य प्रति
क्रियाओं को लागू करना चाहिए और उनका पालन भी होना चाहिए। इम्प्लीमेंट एंड फॉलो PTW, परमिट टू वर्क प्रोसीजर, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लागू करना चाहिए और उसको फॉलो भी करना चाहिए। फुल टाइम मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड, इवन ब्रेक टाइम ड्यूरिंग द जॉब्स एवर वेयर एवरी पॉसिबल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड फायर। हर टाइम पे मॉनिटरिंग, मतलब उधर हर टाइम में क्या होना चाहिए, मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। जब वो ब्रेक टाइम होते हैं खाली, मतलब जैसे कि लंच का टाइमिंग रहता है या फिर आपका भी शिफ्ट हैंड ओवर है, तो उस टाइम पे भी मॉनिटरिंग होना चाहिए उधर, नहीं तो फायरोफोरिक फायर हो सकते हैं। ऑल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट शुड बी ऑन वर्क साइट एंड रेडी टू यूज। जितने भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं, फायर ट्रक्स एंड कॉम्पिटेंट फायर फाइटर्स शुड बी अवेलेबल विद अलोंग विद द इक्विपमेंट्स एंड रेडी टू। ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस पीपल शुड बी इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी। जो भी कॉम्पिटेंट आदमी हैं, वो जितने भी एम्प्लॉय हैं कॉम्पिटेंट, उस एक्टिविटी के लिए वही आदमी उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। चलिए अभी बात करते हैं लर्निंग फ्रॉम इंसिडेंट, LFI। टैंक्स और वेसल शुड बी एम्प्टी आउट फुल्ली बिफोर आइसोलेटिंग ब्लैंकेटिंग गैस फॉर इंटरनल मेंटेनेंस। जो जितने भी टैंक्स और वेसल्स को हम खुला छोड़ते हैं, तो उसके बाद उसको आइसोलेट करना चाहिए, उसके ऊपर ब्लैंकेटिंग करना चाहिए। आफ्टर एम्प्टी आउट टैंक्स एंड वेसल्स शुड क्लीन विद स्टीमिंग और विद केमिकल क्लीनिंग बिफोर एयर वेंटिलेशन स्टार्ट। वेंटिलेशन के मतलब जो हम फैन लगाने वाले हैं, जो भी कन्फाइंड स्पेस में, उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन मात्रा के लिए, तो उधर क्या करना चाहिए, उसको पहले उसको केमिकल से क्लीन करना चाहिए। ओके, सो जहाँ पे भी पायरोफोरिक मटेरियल और पायरोफोरिक फायर होने की संभावना है, वहाँ पे टेम्परेचर देखना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ टैंक्स, कितने टैंक्स हैं, वेसल्स शुड बी मॉनिटर कंटिन्यूसली और क्लोजली। मतलब वो जो भी जहाँ पे भी पायरोफोरिक मटेरियल की संभावना है टैंक्स में है या वेसल में, उसको क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, मींस हर टाइम पे उधर सुपरविजन होना चाहिए। वर्क साइट शुड नॉट बी अनअटेंडेड इवन इन ब्रेक। तो ये जो पॉइंट है दोबारा रिपीट किया गया है, जो भी आपका काम है, उस काम के दौरान जो वेसल्स को ओपन किया हुआ है, उसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है, जब इवन मतलब आप ब्रेक में जाते हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं एक आपको PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।